and I forgot about myself. Yeah. Cruising through the city all by myself. Cause everybody tell me that I need. Hello friends. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इम्पॉर्टेंट बुक फॉर एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एलडीसी, सीपीओ, एसआई एंड सीआई एग्ज़ाम्स की। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, तो उसमें कौन कौन सी बुक्स इम्पॉर्टेंट होती हैं, किन किन बुक्स में से अधिकांश क्वेश्चंस आने की संभावना होती है, उन सभी बुकों के नाम मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी शॉर्टकट ट्रिक, यूजफुल वोकैब, मोटिवेशनल लेक्चर एंड एसएससी एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी नॉलेज होगी यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। ठीक है, आप अपनी सजेशंस और क्वेरी कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं। क्वेरी कोई भी हो वो प्लीज़ एग्ज़ाम से रिलेटेड ही होनी चाहिए। प्लीज़ ऐसा मत पूछना कि सर कि मेरा नेट नहीं चल रहा है, सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, सर मेरे आसपास कोई लाइब्रेरी नहीं है। जो भी एग्ज़ाम से संबंधित जो भी क्वेरी हो, जो जेन्युइन क्वेरी हो, वो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करिए, मैं उस पर आपको अपना फीडबैक दूंगा, आपको मैं अपनी राय दूंगा। अगर आपको अच्छी लगे तो उसे एक्सेप्ट करिए, अगर अच्छी ना लगे तो एक्सेप्ट मत करिए। ठीक है, देखिए क्या होता है कि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि हाँ हमें तैयारी किस तरह से करनी है, कौन सी बुक बेस्ट है और कौन सी बुक बेस्ट नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता करना ज़रूरी है कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट में वीक हैं तो पर्टिकुलर केवल उसी बुक को परचेज करके, उस सब्जेक्ट की बुक परचेज करके उस पर आप अपना मैक्सिमम समय दीजिए। अगर आपके चारों सब्जेक्ट ही वीक हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में आपके रीजनिंग, मैथ, जीएस और इंग्लिश, ये चार सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं, अगर आप चारों में ही वीक हैं तो कुछ सेलेक्टेड कुछ ब्रांड की बुक परचेज़ करिए, उसके पीछे आप पढ़ जाइए कि हाँ एक टारगेट सेट करिए कि मुझे इस टाइम तक, इस ड्यूरेशन तक ये बुक मुझे ख़त्म करनी है। ठीक है, उसे ख़त्म करिए। उसके बाद एग्ज़ाम से 15 या 20 दिन पहले हो सके तो आपके पास टाइम बहुत अच्छा है। अगर आप सीजल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास टाइम अभी बहुत अच्छा है, आप चाहें तो सीजल भी क्रैक कर सकते हैं। उससे एक महीने पहले आप डेली के कम 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। ऑनलाइन परचेज करने हैं मॉक टेस्ट, ऑनलाइन परचेज करिए, ऑफलाइन सॉल्व करने हैं ऑफलाइन सॉल्व करिए। ठीक है, अगर आपके पास नेट की सुविधा नहीं है, डाटा जो आप खर्च कर रहे हैं नेट का वो अपने मेन बैलेंस से खर्च कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको मैक्सिमम गाइड करूंगा कि आप सिंपल एक स्टैंडर्ड बुक परचेज करिए, उसमें से पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिए। अगर जियो की सिम का अगर आप नेट यूज़ कर रहे हैं तो कोई सवाल ही नहीं बनता कि नेट आपके पास कम है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब हम आज का वीडियो। ठीक है, इसमें मैं वही बुक लूँगा जो बेस्ट बुक होंगी, कौन सी, एसएससी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, इस बुक का लेवल जो होगा वो सीजल तक का होगा। ठीक है, इसमें आपका एमटीएस भी कवर हो जाएगा, एलडीसी भी कवर हो जाएगा, एसआई भी कवर हो जाएगा, सीपीओ का एग्ज़ाम के लिए हो जाएगा आपका, और सीआईबी। ठीक है, ये सभी। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करूँगा मैं बच्चों मैथ से। ये बुक जो है वो किरण पब्लिकेशंस की है, ये बुक बहुत अच्छी है। अच्छी क्यों है तो चलो दोस्तों मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ कि ये एक पुराना पब्लिकेशंस है। सबसे पुराना पब्लिकेशन जो बुक के अंतर्गत है वो है किरण पब्लिकेशंस। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूँ आपसे कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या बात है, ठीक है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस को इस बुक में अच्छे से जो है एक्सप्लेन करा गया है। ठीक है, और अपकमिंग एग्जाम को लेकर के इसकी जो क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट होता है, ठीक है ना,
इसकी जो क्वेश्चंस बनाने का जो फॉर्मेट होता है वो काफ़ी सटीक होता है। मतलब अगर आप केवल इस बुक को परचेज करके केवल इसके चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर है मैथ में वो सब एक चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस में दिया गया है, और ब्रैकेट में वो क्वेश्चंस कौन से ईयर में आया वो भी दिया गया है। ठीक है, अगर आप जैसे एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके क्वेश्चंस में लिखा होगा ब्रैकेट में एमटीएस, तो आप केवल उसको सॉल्व करिए। अगर सीजीएल का दे रखा है क्वेश्चन नेक्स्ट उसने, तो आप उसे स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप तैयारी एमटीएस की कर रहे हो तो कम से कम इस बुक में जो भी एलटीसी के क्वेश्चन हैं वो भी आप प्लीज जरूर करिएगा। ठीक है, तो चैप्टर वाइज तरीके से इसमें सॉल्व करा गया है। देखो 1999 से लेकर टिल डेट तक के सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, 7100 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव। अगर आप मैथ में स्ट्रांग हैं, आपको मैथ काफ़ी अच्छा लगता है और मैथ में आपका हाथ टाइट नहीं है, आपकी नॉलेज मैथ में बहुत अच्छी है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं 7100, आप उसे सॉल्व करिए। अपने राइट आंसर निकालिए कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। अगर आप सारे क्वेश्चन कर लेते हैं बड़ी आसानी से तो आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग है, तो इसमें आप अपना स्टडी का टाइम थोड़ा कम कर लीजिएगा, इस टाइम को किसी और जगह यूज़ कर लेना। जैसे करंट अफेयर के क्वेश्चन भी एग्जाम में 2 से 3 पूछे जाते हैं तो वहां पे कर लीजिए कवर उस टाइम को अपने। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली बुक हमारे पास में। देखिए आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें डिपार्टमेंट वाइज डिटेल दी गई है क्वेश्चंस की। ठीक है, डायरेक्ट उसको आप पिक करिए, उसे सॉल्व करिए। ठीक है, इस बुक के माध्यम से आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, एक ही बुक में आपको एसएससी सीजीएल एमटीएस स्टेनोग्राफर सीपीओ सीआई एफसीआई हर डिपार्टमेंट के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, इस बुक का लिंक मैं आपको नीचे दूंगा, ठीक है ना, आप वहां से बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास नियर कोई बुक शॉप है, आपके पास में कोई मार्केट है, तो आप वहां से भी जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं जितनी भी बुक आपको अभी बताऊंगा उन सबके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। ठीक है, चाहे तो आप वहां से परचेज कर लीजिए, अगर आपके पास नियर कोई मार्केट है बुक की वहाँ से जाके आप परचेज कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका मैथ काफ़ी वीक है तो ही परचेज करना, अदरवाइज परचेज मत करना। ठीक है, आप फिर डायरेक्ट एक काम करिए कि मॉक टेस्ट सॉल्व कर लीजिए, अपने एमटीएस का भी एग्जाम है आपका, तो एमटीएस का डायरेक्ट मॉक टेस्ट उठा करके उसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि चारों सब्जेक्ट आपके काफ़ी स्ट्रांग है, तैयारी अच्छी, तो डायरेक्ट आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट परचेज कर लीजिए, काफ़ी सारी वेबसाइट है। ठीक है, आप कुछ भी करिए, आपको मैं लिंक दूंगा, वहाँ से परचेज करिए या फिर मार्केट में खुद फिजिकल जा करके परचेज करिए। अगर अवेलेबल नहीं है आपके पास आसपास मार्केट तो ऑनलाइन परचेज कर लीजिएगा। और जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में जो है मैक्सिमम बच्चों को पता होता है कि कंपटीशन की बुक कहाँ से मिलती है। दिल्ली में 2-3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको ये सारी बुक काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, जैसे दिल्ली में है मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास में, लक्ष्मी नगर दिल्ली में। तो जो लोग अगर दिल्ली में नहीं रहते, तो अगर वो बाहर स्टेट में रहते हैं, तो उसका मुझे आइडिया इतना नहीं होगा, तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलूंगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा आपको जहाँ से बेस्ट लगे वहाँ से शॉपिंग करिए, वहाँ से परचेज करिए, लेकिन परचेज करिए तो प्लीज़ इन बुक को ला करके अपने रैक में सजाना मत, अपने रैक को एज ए बुक की लाइब्रेरी बनाना मत। ठीक है, लाते हो तो प्लीज़ इसको पढ़िएगा पूरी दिल से पूरी ईमानदारी के साथ में। ठीक है, आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, ऑफलाइन परचेज करने के लिए भी और ऑनलाइन परचेज करने के लिए, जो भी आपको बेस्ट लगे वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट बुक। नेक्स्ट बुक है क्लास नोट्स ऑफ मैथ, राकेश यादव। ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हैं जो दिल्ली में रहते हैं, इनका कोचिंग सेंटर दिल्ली में है, और जो भी स्टूडेंट दिल्ली में जाते हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए 70 से 80% स्टूडेंट मैथ केवल इनसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये केवल एसएससी का मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, ये पैरामाउंट केडी और ये अपने इंस्टीट्यूट में भी बच्चों को गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं। इनके कंसेप्ट ट्रिकी होते हैं, मैथड बहुत यूनिक होते हैं, ये एसएससी के मैथ पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये बुक भी आपके लिए बहुत अच्छी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले बुक की ओर। नेक्स्ट बुक है हमारे पास, जो तीसरी बुक है मैथ की, ये है एमबी पब्लिकेशंस की। इसमें 1999 से 2016 तक के प्रीवियस ईयर पेपर का टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस है। ठीक है, ये बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, मार्केट में आराम से आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शंस में अगेन आपको लिंक में दे दूंगा इसका भी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ये बुक इसलिए रिकमेंडेड कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के मैक्सिमम इंस्टीट्यूट
इसी बुक को रेफर करते हैं। आप पहले किरण चैप्टर वाइज जो मैंने पहली बुक बताई थी उसको परचेज करें, उसको ढंग से सॉल्व करें, उसके बाद आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। दोनों एक साथ परचेज मत करना, ठीक है? किसी एक बुक को पूरी ईमानदारी से फिनिश करें। अगर किसी का मैथ में हाथ ज़्यादा टाइट हो तो वो पहले राकेश यादव के क्लास नोट्स परचेज करें, चैप्टर वाइज उसको सॉल्व करें। जैसे ये इसमें क्या है, चैप्टर वाइज आपको बताया गया है शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है? पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका मैथ में कमांड काफ़ी अच्छी हो जाएगी चैप्टर वाइज, उसके बाद में आप इसको सॉल्व करना, ठीक है? उसके बाद जब ये दोनों बुक आप फिनिश कर लो तो उसके बाद चाहो तो आप ये MB पब्लिकेशंस की मैथ की बुक परचेज कर सकते हो, ठीक है? लेकिन पहले दो ही परचेज करनी है बस। अगर आपका मैथ बिल्कुल टाइट ही है, बहुत ज़्यादा मतलब आपका हार्ट टाइट है, बहुत ज़्यादा डर लगता है आपको मैथ से, तो केवल केवल और केवल केवल ये एक बुक परचेज करना पहले, ठीक है? ऑनलाइन अवेलेबल आपको हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। बाद में भी आप ये अपनी किरण पब्लिकेशंस की बुक परचेज कर सकते हैं। अगर आप तीनों परचेज कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट आप खुद को चेक करिए कि आप कहाँ पे डिजर्व करते हैं, ठीक है? आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं कि आपको किस चीज़ से डर लगता है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं। मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा चैप्टर वीक है, ठीक है? सभी ऑप्शन आपके पास में है। क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स राकेश यादव चैप्टर वाइज सॉल्व करना है, पहले चैप्टर की नॉलेज आपको लेनी है तो डायरेक्ट आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है? इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको, आप देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंग्लिश लैंग्वेज, अगेन किरण पब्लिकेशंस की ये बुक है, 1997 से टिल डेट 8,800 इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है? इस बुक में SSC के द्वारा कंडक्ट करवाए गए जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस, वो सभी इसमें दिए गए हैं। चैप्टर वाइज सभी ग्रामर के रूल काफ़ी तरीके से समझाए गए हैं, ठीक है? इसमें जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है, एंटोनिमस, सिनोनिमस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, काफ़ी तरीके से बताया गया है, और एक एक वर्ड की हिंदी में मीनिंग क्या है वो भी इसमें एक्सप्लेन करी गई है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बुक है इंग्लिश फ्रॉम प्लिंथ, KD पब्लिकेशंस की ये बुक है। कई बच्चों के पास ये बुक होगी भी, जिन बच्चों को तैयारी करते हुए 6 महीने हो गए तो सबसे पहले शायद उन्होंने इंग्लिश की ये बुक परचेज करी होगी। देखो एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली ये होता है कि ये जो बुक है ना, ये इंग्लिश प्लिंथ की जो KD पब्लिकेशंस की बुक है बाय नीतू सिंह, ये बुक पर्टिकुलर SSC के लिए नहीं है। ये बुक आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, चाहे वो SSC का एग्ज़ाम हो, बैंक का कोई क्लर्क या PO का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, सब में ये आपको हेल्प करेगी, ठीक है? बेसिकली इस बुक में इंग्लिश के ग्रामर रूल को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा गया है, ठीक है? मतलब एक एक रूल को काफ़ी तरीके से समझाया गया है। देखिए अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं, आपका एकेडमिक पूरा हिंदी मीडियम से रहा था और इंग्लिश के ग्रामर के रूल में आपका हाथ बहुत टाइट है, फिर आपकी जो कमांड है काफ़ी कम है इंग्लिश सेक्शन में, तो चैप्टर वाइज इसमें इंग्लिश के सारे रूल दिए गए हैं, पहले इस बुक को परचेज करना। इंग्लिश में सबसे पहले आपको बुक परचेज करनी है तो ये बुक परचेज करनी है, उसके बाद में आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपकी दोनों कंडीशंस है कि इंग्लिश में आपका जो कमांड है कुछ सही है भी कुछ नहीं भी है, फिर भी आप इस बुक को परचेज करिएगा, ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी आराम से, और किसी भी मार्केट, कोई आपके पास में कोई भी मार्केट हो जहाँ पे कंपटीशन किताब मिलती हो तो इंग्लिश प्लिंथ आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेगी। आप मार्केट में जाइए आज शाम को, माइंड मेकअप करिए कि आपको बुक परचेज करनी है या फिर नहीं करनी, या फिर ऑनलाइन जो भी चैनल बने हुए हैं मार्केट में आप उनके थ्रू स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? बट बच्चों देखो एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप किसी चैनल पे डिपेंड होकर कंप्यूटर स्टडी करते हैं, ठीक है, वहाँ से आपको नॉलेज मिलेगी, कोई इसमें डाउट नहीं है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड बुक अपने पास भी होनी चाहिए, और अपनी स्टडी जो आप बुक में से करते हैं वो आपको डिजिटल जो हमारे पास सब पे डिस्प्ले है लैपटॉप में या मोबाइल के थ्रू स्टडी करने में मज़ा आता है, बट वो मज़ा नहीं आता जो हम किताब में से पढ़ के हम लोग नॉलेज को गेन कर सकते हैं, ठीक है? चैनल आपके पास बहुत सारे हैं, कहीं से भी आप क्लिक करके चैप्टर वाइज नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन
अगर स्टडी करनी है, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी स्टडी में, तो ये स्टैंडर्ड बुक है। आपको कोई मैं फोर्स नहीं कर रहा कि आपको ये बुक परचेज करनी ही करनी है, नहीं करनी मत करो, आप जैसे स्टडी कर रहे हो करो, बट रिजल्ट आना चाहिए। मेन टारगेट ये है हमारा, ठीक है? ठीक है, इंग्लिश ग्रामर के रूल में अगर आप काफ़ी कच्चे हैं, रूल नहीं पता, तो आप ये बुक को परचेज कर सकते हैं, उसके बाद में आप ये बुक ले लीजिएगा, ठीक है? फिर इसमें से प्रैक्टिस करिए कि कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है? अगर आप किसी क्वेश्चंस में अटक जाते हैं, किसी क्वेश्चंस का आप सही आंसर नहीं दे पाते, तो चैप्टर वाइज इसका हर एक का बैक में सॉल्यूशंस भी होता है, उसको देखिए, उसमें से आपके जो भी रूल्स होंगे वो रिवाइज इस बुक के माध्यम से हो जाएंगे, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं अगली बुक की ओर। अगली बुक है हमारे पास एसएससी इंग्लिश। ये जो पब्लिकेशंस है ये एमबी पब्लिकेशंस है, ठीक है? देखो, जिनको इंग्लिश ग्रामर अच्छे से आती है, ठीक है ना, तो आप, अगर आपको इंग्लिश ग्रामर काफ़ी अच्छे से आती है, तो इस बुक को परचेज कर कर डायरेक्ट 133, इसमें मॉक सेट है, मॉक टेस्ट है इसमें 133, डायरेक्ट उसको सॉल्व करिए, अटैम्प्ट करिए, अपना अपना स्कोर चेक करिए। पीटी और मेंस दोनों में ये काम आएंगे, आपका प्री एग्ज़ाम हो एसएससी का या मेंस एग्ज़ाम हो सीजीएल का, तो उसमें ये बहुत काम आएगी। इस बुक की भी सेल मार्केट में बहुत अधिक है, दिल्ली के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर, वो मैक्सिमम इसी बुक को प्रेफर करते हैं कि आप इसको परचेज करिए, इसमें से सेट को सॉल्व करिए केवल इंग्लिश सेक्शन को, क्योंकि एसएससी सीजीएल में टायर टू एग्ज़ाम होता है, उसमें इंग्लिश इंग्लिश आती है, ठीक है? दो एग्ज़ाम होते हैं मैथ और इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए मैक्सिमम जो सेट यूज़ करते हैं बच्चे, वो इस सेट का इस्तेमाल करते हैं, 133 सेट का, ठीक है? ये आप बाद में परचेज करना, पहले अपना आपको चेक करिए कि आपका इंग्लिश का लेवल कितना है, ग्रामर सही नहीं है तो प्लिंथ की बुक, केडी पब्लिकेशन, नीतू सिंह, उस बुक को परचेज करिए। उसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इस बुक को परचेज करिए, इससे आपका बेस स्ट्रांग होगा। उसके बाद आप चैप्टर वाइज इसको सॉल्व करिए, जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे उसके बाद आप इस बुक में से केवल डायरेक्ट सेट करिए। इसमें क्या होगा, 133 मॉक्स टेस्ट है इसमें, ठीक है? उसको सॉल्व करने के बाद में आपकी इंग्लिश में कमांड बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, सॉरी अगली बुक की ओर। अगली जो बुक है हमारे पास वो है रीजनिंग की। वैसे मैं आपको बता दूँ, ठीक है, रीजनिंग में वैसे ज़्यादा एफर्ट्स मारने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? एसएससी की रीजनिंग बैंक एग्ज़ाम के कंपैरिजन में बहुत 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 इजी आती है, ठीक है? एसएससी की रीजनिंग के लिए किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, ये बुक फिनिश कर लो इतना काफ़ी है। देखिए 7200 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है, देख रहे हैं आप? और 1999 से टिल डेट तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप देख रहे हैं एसएससी सीजीएल टायर 1 टायर 2 दोनों ही टायर के क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। 10+2 स्टेनोग्राफर सीएनडी मैट्रिक लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं एसएससी के, एफसीआई दिल्ली पुलिस एंड एसआई, ये सभी क्वेश्चंस इस एक बुक के अंदर दिए गए हैं, ठीक है? रीजनिंग में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं 50 में से आप कम से कम 35 से 40 क्वेश्चंस तो कर ही लेते होंगे बिना इस बुक को पढ़े हुए, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा, अगर रीजनिंग में आपका हाथ सच में बहुत ज़्यादा टाइट है तो इस बुक को परचेज करिए, और इसमें से चैप्टर वाइज जो भी पेपर दिए गए हैं उसको सॉल्व करिए, अपना स्कोर बनाइए, खुद को चेक करिए कि रीजनिंग में आपका जो कंडीशंस है वो क्या है इस समय। चलिए बढ़ते हैं हम। एसएससी जनरल अवेयरनेस चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर, ये जो है किरण पब्लिकेशंस की बुक है, 1997 से टिल डेट तक के 9100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं। इस बुक से एसएससी के ऑल एग्जाम में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस बैंक है। ये एक्चुअली जनरल अवेयरनेस का एक क्वेश्चन बैंक है, 9100 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव वाइज हैं। डायरेक्ट आप इसको पढ़ते हैं तो आपके पास एक स्टैंडर्ड स्टेटिक जीके आपके पास में इकट्ठी हो जाएगी इस बुक के माध्यम से। आपका जो माइंड में जो नॉलेज बैंक है, अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेते हैं, तो क्या करता है एसएससी वाला कि एसएससी वाला जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मैक्सिमम प्रीवियस पेपर में से ही दे देता है, और करंट अफेयर्स के 3 से 4 क्वेश्चन देगा।
करंट अफेयर के लिए आप सिंपल कुछ मत करिए, एक अरिहंत की मैगजीन आती है 30 रुपये की या 25 रुपये की मैगजीन आती है, उसे मंथली परचेज़ करिए, उसको फिनिश करिए, बहुत है। या फिर SSC क्रॉनिकल की मैगजीन आती है, आप उसको परचेज़ कर लीजिए मंथली। SSC क्रॉनिकल 30 रुपये की मैगजीन आती है, वो उसको परचेज़ कर लीजिए, उसको आप मंथली पढ़िए। फिर देखो 3-4 क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, उससे पूछिए। जो कट ऑफ अगर 120 गई है और उसके नंबर 118 आए हों, तो उसको पता होता है कि दो नंबर की इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में क्या होती है। इम्पोर्टेंस हर सेक्शन की है, हर सेक्शन में आपको ध्यान देना है, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, या फिर GK क्यों ना हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा इसमें। और इस बुक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना अधिक है, ठीक है? इस बुक को परचेज़ करिए, इसको ढंग से आप घोट डालिए, ठीक है? माइंड में बिल्कुल सेव कर लीजिए, एक एक लाइन का आपको आंसर ढंग से पता होना चाहिए। टाइम लगता है, अपना टाइम ढंग से मैनेज करो, डिवाइड करो, कितने घंटे हमको किस में देने हैं, किस सब्जेक्ट में हम लोग वीक हैं तो उसमें आपको ज़्यादा समय देना है, ठीक है? राइट टाइम आपका स्टडी का क्या है, अर्ली मॉर्निंग का या लेट नाइट स्टडी करने का, सबका अलग अलग टाइमिंग होता है अपने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? इसके साथ अगर आप लूसेंट GS की बुक फिनिश कर सकते हैं, छोटी ब्लू कलर की आती है हिंदी में, उसको परचेज़ कर लीजिएगा, मार्केट में इजीली मिल जाएगी। उसका मैं लिंक आपको नीचे नहीं दूंगा क्योंकि वो अवेलेबल बहुत इजीली मार्केट में होती है, आप उसको परचेज़ कर लीजिएगा कहीं से भी, ठीक है? अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी एक येलो कलर की बुक आती है लूसेंट GK की, आप डायरेक्ट उसको परचेज़ कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये तो हमारी कुछ बेसिक बुक थी, ठीक है? जब आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, सारी बुक आप ढंग से अच्छे से घोट डालें, अच्छे से पढ़ लें इन सब किताबों को, तो उसके बाद आपको एक बुक और परचेज करनी है एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, वो है ये। जी हाँ बच्चों, जो बच्चे SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए स्पेशल है Tier 1 के ऑनलाइन CBE मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट, ये किरण का मॉक टेस्ट है, ठीक है? ये आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन परचेज़ कर सकते हैं, 25 सेट इसमें दिए गए हैं। तो 2017 के लिए ये अपना एक नया पब्लिकेशन निकालेगा, एक ये नई बुक निकालेगा, तो इसको बुक आप परचेस मत करिएगा। बता रहा हूँ कि आपको ये बुक भी परचेस करनी है, बट कुछ टाइम बाद, अभी नहीं। पहले आप इन सब बुक पे कमांड बनाइए जो बुक मैंने आपको भी बताई, ठीक है? आप देख लीजिएगा आपको आपका जो भी सेक्शन वीक है, जो भी सब्जेक्ट काफ़ी आपका वीक है तो उसको देखिए। मैथ वीक है तो स्टार्टिंग आप यहाँ से करिएगा, उसके बाद इस बुक को परचेज करिए, उसके बाद इसे, ठीक है? इंग्लिश सेक्शन में ग्रामर के रूल सीखने के लिए सबसे पहले आप ये बुक परचेज करेंगे, उसके बाद में इसको देखेंगे, और उसके बाद में अपने सेट मॉक टेस्ट ये सेट सॉल्व करेंगे इसमें से, ठीक है? रीजनिंग के लिए केवल एक ही बुक परचेज करनी है, उसके अलावा और कहीं दिमाग नहीं चलाना है, कोई नई बुक परचेज नहीं करनी है, ढेर नहीं लगाना है। ये सिलेक्टेड बुक मैं आपको बता रहा हूँ, बस इतनी बुक को परचेस करिए, इसको ढंग से सॉल्व करिए, बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना, पूरी ईमानदारी के साथ, कोई भी क्वेश्चंस में से स्किप नहीं करना है। प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस केवल वही क्वेश्चंस करने हैं जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। इसमें CGL लेवल के भी क्वेश्चन वो देगा रीजनिंग के, बट आपको अगर आप MTS की तैयारी कर रहे हो तो LDC लेवल तक के कम से कम रीजनिंग आप सॉल्व करके जाना अपने एग्जाम में इस बुक के माध्यम से, ठीक है? देखिए जनरल अवेयरनेस में अगर CGL का कोई क्वेश्चन दिया गया है आपके इस बुक के अंतर्गत, वो भी आपको याद करना है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में ऐसा कुछ नहीं कर रखा उसने डिसाइड कि ठीक है MTS में मैं केवल 1857 ही पूछूंगा, 1857 के बाद में 1947 का मैं कोई जो भी आंदोलन हुआ था मैं उसके बारे में कुछ नहीं पूछूंगा। जनरल अवेयरनेस की कोई लेवल नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं होती है कि MTS का अलग लेवल बनेगा। इसमें आपको सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ध्यान से बिल्कुल ईमानदारी के साथ सॉल्व करना, उसके बाद में इसको मॉक टेस्ट को सॉल्व करना। अभी मत परचेस करना, मैं इसका लिंक आपको दूंगा भी नहीं, क्योंकि ये जो मॉक टेस्ट है 2016 में आया था, 17 में इसका नया मॉडल एक आने वाला है मार्केट में, तो आप डायरेक्ट उसको परचेस करना। ऑनलाइन आप अमेजन फ्लिपकार्ट कहीं से परचेस कर सकते हैं, मार्केट नियर है तो वहाँ से बुक आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है? बाकी देखिए आपको मैं इस बुक के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ फिलहाल अभी, क्योंकि देखो नई बुक आएगी तो उसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस कुछ नए ऐड होंगे, ठीक है? हर एक सेट में नहीं होते वो, स्टार्टिंग के 2-3 सेट उसमें और ऐड कर देंगे, प्रीवियस के 3-4 सेट वो निकाल देंगे, 2-3 सेट में केवल करंट अफेयर्स होते हैं, बाकी 23 से 22 सेट बिल्कुल सेम इसी बुक के होंगे सारे। बाहर का कवर वो चेंज कर देते हैं, 16 जगह 17 लिखा होगा, होगा मॉक टेस्ट यही, ठीक है ना? 2-3 सेट इसमें अलग कर देंगे वो लोग बस, ठीक है? चलिए दोस्तों,
दोस्तों ये थी आपके पास एसएससी की ऑल बेस्ट बुक। ठीक है, परचेज करने से पहले आप बुक के मीडियम को अच्छे से देख लेना। आप जिस मीडियम से ज़्यादा सहूलियत महसूस करते हो, जो मीडियम आपको बहुत अच्छा लगता हो, जिस मीडियम में आप कंफर्टेबल हो, उसी मीडियम में बुक को परचेज करना। ठीक है ना, अपना लेवल पहले चेक करना, टाइम पढ़ने का बेस्ट क्या है उसको डिसाइड करना। अगर आपके अंदर जुनून हो एग्ज़ाम के लिए करने का, तो ही इस बुक को परचेज करना। प्लीज़ बुक परचेज करके अपने बुक के सेल्फ में लगा करके सजा देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप पढ़ने के लिए उतारू हैं, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो ही इस बुक को परचेज करना। अदरवाइज़ प्लीज़ पैसा वेस्ट मत करना। ठीक है, पैसा वेस्ट प्लीज़ मत करना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। जो भी आपका फ्रेंड है तैयारी करने की शुरुआत कर रहा है कि हाँ मुझे भी तैयारी करनी है, उस तक इस वीडियो को शेयर प्लीज़ ज़रूर करना। ठीक है, और अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बुक का ढेर प्लीज़ मत लगाना। ठीक है, मैक्सिमम कंपटीशन की तैयारी करने वाले हर बुक उन्हें मार्केट में जाते हैं, अच्छी लगती है, हर बुक वो परचेज करके ले आते हैं। ठीक है, एक भी बुक को वो तरीके से फिनिश नहीं करते। ठीक है ना, एक बुक परचेज करिए, उसके पीछे आप ढंग से पढ़ जाइए। ठीक है, ढेर मत लगाइए। एक बात आप याद रखिएगा, 10 बुक ला करके 10 में से एक भी बुक को ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि किसी एक बुक को ला करके उसे 10 बार पढ़ लिया जाए ढंग से। मतलब 10 बार ढंग से अगर आप केवल एक बुक को फिनिश कर लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा। आप जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम हॉल में, उससे आपका कॉन्फिडेंस अलग बनेगा। ठीक है, एक ही बुक परचेज करिए, ढंग से उसके पीछे पड़ जाइए, ढंग से उसको फिनिश करिए पूरी ईमानदारी के साथ में, देखिए आपका सिलेक्शन फिर पक्का है। चलिए दोस्तों, बात अधिक हुई, आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। इसी के साथ लेता हूँ आपसे धन्यवाद, अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।